हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। उसका एक टॉपिक जो है वो बचा हुआ था, जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, वो मैंने आपको बोला था कि मैं बाद में पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो मैं अभी उसको कवर कर देती हूँ। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो आपकी बुक है साइंस की, है तो वो पुरानी ही, लेकिन ये रिवाइज्ड एडिशन है, तो इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। मतलब इसके जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो आपको पुरानी बुक के कंपैरेटिवली चेंज मिलेंगे। तो आप सभी को नई बुक जो है वो साइंस की स्पेशली परचेज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, साइंस में ही चेंजेस हुए हैं तो उसकी आपको नई बुक परचेज़ करनी पड़ेगी। सब लोग कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब क्वेश्चंस बिल्कुल ही डिफरेंट है। और जो मटेरियल भी है अंदर का वो लगभग तो सेम ही है, कुछ थोड़ा बहुत ही चेंज है मटेरियल, बाकी लगभग वही है। और जिसने जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस आप लोग को सेंड किए थे, तो जिसने कॉपी में लिख लिए हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके जो हैं ये सब्जेक्ट से ही, मतलब इसी टॉपिक से रिलेटेड वो क्वेश्चंस थे। लेकिन अब मैं जो आपको भेजूंगी तो वो जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके कॉपी में लिखे होने बहुत ज़रूरी हैं। पहले वाले जिसने लिखे हैं तो ठीक है, लिखे रहने दीजिए, जिसने नहीं लिखे हैं तो उनको आप स्किप कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको भेजूंगी आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है तो नाम से ही क्लियर है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल जब किसी भी केमिकल से रिएक्ट करते हैं तो उनमें क्या चेंजेस आते हैं, कौन सी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, ये मैं थोड़ा इसको जूम कर देती हूँ। अब देखिए, सबसे पहले है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है। ठीक है, तो इसके साथ जो रिएक्शन होता है वो कैसे होता है, कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनते हैं, मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, सोडियम है, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। कॉपर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जितने भी मेटल हैं, ठीक है, जितने भी मेटल हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड ही बनता है। ठीक है, सिल्वर रिएक्ट करेगा तो सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से हम जो है, मतलब ये हम लोग ने क्या पढ़ा कि जब भी कोई भी मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको हम उससे क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखिए, दो रिएक्शंस लिखी हुई हैं, इनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। एज अ रिजल्ट इट कैचेस फायर इफ लेफ्ट इन ओपन। इट इज़ देयर फॉर कैप्ट इमर्ज इन केरोसिन। जो सोडियम होता है उसको जब हम ओपनली रखते हैं तो वो तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, हमारे आसपास एयर प्रेजेंट है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तो जो सोडियम है वो तुरंत ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाता है, और रिएक्ट करने के बाद कौन सा कंपाउंड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, और ये सोडियम ऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड बन जाता है जिसको अगर हम ओपनली रखते हैं तो उसमें तुरंत आग लग जाती है, वो फायर कैच कर लेता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर हम ओपनली रखेंगे तो उसमें आग लग जाएगी, इसीलिए उसको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। ठीक है, केरोसिन जो आता है उसमें हम लोग डुबो कर रखते हैं, जो मिट्टी का तेल होता है उसमें डुबो कर रखा जाता है इसको, सोडियम ऑक्साइड को। ठीक है, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम ऑन हीटिंग बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग वाइट लाइट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, द मेटलिक ऑक्साइड फॉर्म्स आर बेसिक इन नेचर एंड टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। देखिए, लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, इससे हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, लिटमस पेपर एक आता है या लिटमस सॉल्यूशन भी उसको बोलते हैं, उससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि ये जो मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं ये सारे बेसिक होते हैं। ठीक है, सारे बेसिक होते हैं, जैसे एसिड होता है ना वैसे ही बेस भी होता है, तो जितने भी मेटलिक ऑक्साइड बनते हैं सारे बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर आप नॉन मेटल्स की रिएक्शन देखते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब जब रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएंगे, नॉन मेटलिक ऑक्साइड। और ये आपको याद रखना है कि जो नॉन मेटल